कहना है कि रेत सी आंखों में, आदरणीय मधुभैया जहां कहीं भी हो सुनेगा कि रेत सी आंखों में सागर से ख्वाब सजा कर बैठे हैं और नाग फनी के बीच गुलाबों को महका कर बैठे हैं। आपके सामने बैठे तो दिल ने महसूस किया जैसे हम संगम के तट पे कुंभ नहा कर बैठे। बहन ज्योति कमल जी, सुभान अल्लाह, अगर कोई त्रुटि हो जाए तो मैं मंडल सहित माफी चाहता हूं। त्रुटि हो सकती है, चमड़े की जुबान है, फिसल सकती है। आइए ज्यादा समय न लेते हुए एक गीत फिल्म वालों ने कहा है, जल्दी बताओ, खलबली मची है, जल्दी बताओ। कि सुना है तेरा और भी एक पलम, और तांडो लत लगा ये है भोलेनाथ का डमरू। क्या बात है, बड़ा क्या बात है, शाबाश शाबाश शाबाश। सानी नहीं है और क्या, सुशील दिनकर आदरणीय इलाहाबाद के महान कीर्तनकार, नोटों की बम्बारमेंट हुई आपके ऊपर, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनेगा अरे परम आदरणीय हमारे भैया राजेश भैया, आपकी ओर से पुनः 51 मुद्राएं हमारे ढोलक वादक भैया अंकुर जी के लिए। लो लो, ये रायबरेली का सिंह बज रहा है। और ये मिश्रा जी, आप ग्राम भीटा भीरा, आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं सिर्फ आधी लाइन बोला है उसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। पूरी लाइन में डबल हो जाएगा। और ये 51 पत्र मुद्राएं भैया शत्रुघ्न सिंह, भैया शत्रुघ्न सिंह जी, आप गोझारी से पधारे हुए, 51 पत्र मुद्राएं आपकी ओर से आई हुई, धन्यवाद। सुना है तेरा और भी एक पलम है, नाम हरा ना, मगर गम ना कर तुझको मेरी कसम है, तुझे बेशरम बेशरम, तुझे बेशरम बे मुरव्वत कहूं तो मेरी शराफत की तो
हो। बहुत अच्छे जियो जियो। आदरणीय ज्योति जी सुनेगा सुने ना महफिल में हो उठा रहा हूं सुनेगा क्या बात महाराज। देखो हमारे गीत में ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दादाजी, हर एक लाइन किसी ना किसी चीज से बंधा हुआ है, बताती चली जाएंगी। एक बार एक प्रसंग बता रहा हूं, एक बार भगवान सूर्य किसी नारी से रति क्रिया कर बैठे। अब सूर्य भगवान चले आ रहे हैं, कोई अबला थी उसके साथ में रति क्रिया किया। अच्छा ये बात चलो दुनिया का पता चल जाए तो चल जाए, उनके पुत्र शनि देव को पता हो गई। अब शनि देव न्यायाधीश क्या न्याय जज करता है, जजमेंटियल है। जैसे ही शनि देव को पता चली कि मेरे पिता ने ऐसा गलत कार्य किया है तो मन में शनि देव सोच क्या रहे हैं दादाजी सुनिएगा। क्या महाराज क्या के मुजरिम पिता मुजरिम पिता और ललन न्याय दाता। क्या बात है, वो अज्ञान रूपी तिमिर है मिटाता। मुजरिम पिता और ललन न्याय सनी देव सोचने लगे कि हमारे पिताजी अगर बाप ही अन्यायी बना तो न्यायी ललन की तौहीन हो। विशेषता पर विशेष ध्यान। बहन ज्योति जी मेरी पंक्तियों को सुनिएगा सुने। अगर बाप ही अन्यायी बना तो अन्यायी ललन की तौहीन हो। तो शनि देव क्या सोच रहे हैं, अगर जन्म जन्मदाता को न तोलू तुला पर तो विधि के नियम की तौहीन होगी। अगर न्यायदाता नहीं न्याय देता तो उस न्यायदाता की तौहीन।
होगी। क्या बात है, इसी पंक्तियों पर प्रसन्न होकर 51 पत्र मुद्राएं हमारे भैया राजेश सिंह जी आपकी ओर से प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद का आकांक्षी रहूंगा। सुनेगा दूसरी बात सुनेगा, दो का दूरी मास जरूरी। इधर दंड दिया सनी देव ने सूर्य को, अब देखिए दूसरा कौन टुकड़ा रहा है। सुनाइए, गुरु बृहस्पत की पत्नी तारा इनसे छलकल बैठे चंद्रमा। बहन ज्योति जी, जब चंद्रमा ने छल किया तो वहां भी शनिदेव थे, और शनिदेव समझ गए तो इनको कहा कि जाओ तुमको क्षय रोग हो जाए। ये है, अब देखिए दूसरी बात सुनिए कि गुरु ज्ञान का है वो, बरमालड़ी हमारे बड़े भैया आशीष सिंह जी शोभापुर, आप भावी बीडीसी सदस्य हैं। 51 मुद्राएं आपकी ओर से प्रदान हुए, बहुत बहुत धन्यवाद है। 101 पत्र मुद्राएं राम प्रसाद मास्टर साहेब पूरे अश्विनी आपकी ओर से प्रदान हुए हैं, नमन वंदन करता हूं आदरणीय मात साहब को। और 51 पत्र मुद्राएं श्रीपाल पासवान जी आपकी ओर से प्रदान हुए हैं। समस्त दानदाताओं से आशीर्वाद चाहता हूं, मेरी पंक्तियों को सुनिएगा। गुरु ज्ञान का है वो अमृत पिलाता, वो अज्ञान रूपी तिमिर है समझाते रहिए। अब देखिए, देव गुरु बृहस्पति चंद्रमा के गुरु, उनकी पत्नी गुरु माता तारा, उनके साथ गलत कार्य। गुरु अज्ञान अंधकार को मिटा रहा है, लेकिन सुनेगा गुरु ज्ञान का है वो अमृत पिलाता, वो अज्ञान रूपी तिमिर है मिटा। अमृत में कोई अगर पिस मिला दे तो सागर के मंथन की तौहीन हो। बहुत सुंदर, 14 रत्न निकले और सबसे पहला जो निकला था वो हलाहल निकला। अब उसमें से निकला जहर और उसमें फिर कोई जहर मिला दे, अमृत में कोई जहर मिला दे तो क्या होगा? समझाते रहिए। अमृत में कोई अगर विष मिला दे तो सागर के मंथन की तौहीन हो। अपनी मुट्ठी में काबू में किया, 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों को बंदी बना लिया। मेरे दरबार में झाड़ू पवन लगाता है और इंद्र दिन में 2 बार हाजिरी लगाता है। अरे कुबेर आकर के रोटियां बनाता है और मेघ बिना मतलब के पानी ही पिलाता है। मेघ जल लिए हुए खड़े रहते हैं रावण के पास कि नारायण पानी पी लो पी लो पी लो। वही रावण जब सनी देव को बंदी बना लिया और कुआं में उल्टा लटकाया तो हनुमान जी ने बाद में छुड़ाया था, वो अलग की बात है, प्रसंग लंबा है। लेकिन जब बंदी बनाया
तो शनिदेव ने मर ही मन में कहा था, ए लंकेश मेरी वजह से तुझको एक दिन मुंह की खानी पड़ेगी। ये लंकेश तो सुनेगा के ग्रहों में ग्रहणी प्रतिनिधि व वर्तमान प्रधान शोभापुर आदरणीय बड़े भैया दीपू सिंह जी, जिनके पिताजी का आज ये पूर्ण तिथि का विशाल भव्य आयोजन मनाया गया है। आपके कर कमलों के माध्यम से 101 पत्र मुद्राओं का पुनः आशीर्वाद प्रदान हुआ है। माता भगवती कल्याण करते रहे। तो ग्रहों में ग्रहणी बन ग्रह में बसाया, घर में शनिदेव को बिठाया। ग्रहों में ग्रहणी बन ग्रह में बसाया और खुद पैर में खुद वो कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी चलाया। क्या बात है, अगर इस स्वर्ग में है, अगर इस स्वर्ग में असुर की सीढ़ी लगी तो क्या बात है, विधि के सृजन की तौहीन हो। बहुत सुंदर। अगर स्वर्ग में सीढ़ी जब भगवान लक्ष्मण जी को राम ने भेजा, जाओ राजनीतिक के था रावण, कहा लक्ष्मण जी गए और उनको बताने लग गए तो रावण ने तीन बातें बताई है कि हमारी तीन इच्छाएं अधूरी रह गई हैं। एक तो इस समुद्र के खारेपन को मीठा करना था, दूसरा स्वर्ग तक सीढ़ी लगाना था। तो अगर इस स्वर्ग में असुर की सीढ़ी लगी तो विधा विधि के सृजन की तौहीन हो। इस गीत को आदरणीय गुरु तुल्य दादा श्री हरिकिशन शर्मा जी के मुख से मैंने सुना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया इस गीत को गाते थे। वाह, आइए मैं प्रयास कर रही हूँ बन जाए। आपकी ओर से गीत बहुत बढ़िया आया है, प्रयास करूंगी भैया। पढ़ो बेटे पढ़ो।
चाहे फिल्म में होंगी ना मेले में होंगी। शर्म पे मुरौवत कहूँ तो ये मेरी शराफत की तौहीन हो। तौहीन होगी यानी भैया बाबूलाल यादव शोभापुर निवासी आपकी ओर से 51 पर उतर आए हैं, हृदय से धन्यवाद है। भैया गुरु जी लखनऊआ पुरवा आपकी ओर से 51 पर उतर आए हैं, हृदय से धन्यवाद है। बहुत अच्छी बात आपके गीत के माध्यम से आई है। अगर जन्मदाता को तोलूं दुलाभर तो विधि के नियम की तौहीन होगी। आपने कई प्रसंग ऐसे बताए हैं, क्या बात है, जिसमें आपने दिखाया है प्रसंग के माध्यम से कि तौहीन होगी। आइए जो बच गया है, जो बच गया है, प्रयास कर रही हूं कुछ मिल जाए तो सुनिएगा। निवेदन कर रही हूँ, अगर अच्छा लगे दीपू भैया आशीर्वाद चाहूंगी, सुनिएगा। जिस समय इंद्र ने अहिल्या को छला तो गौतम ऋषि ने इंद्र और चंद्रमा को श्राप दे दिया। फिर अहिल्या के विषय में सोचने लगे, क्या कहा, इसको भी श्राप देना। अपनी पत्नी अहिल्या के बारे में सोचने लगे कि इसको भी श्राप देना जरूरी है क्योंकि गलती इसकी भी है। अरे इसने मेरे स्पर्श को नहीं पहचाना। तो सुनिएगा, चूंकि गौतम ऋषि जी न्याय शास्त्र के रचयिता हैं, छह शास्त्र में से एक न्याय शास्त्र, उसके रचयिता गौतम ऋषि जी हैं। तो देखिए गौतम ऋषि जी सोच रहे हैं, उनसे अन्याय नहीं हो सकता। Thank you.
थोड़ा सा इधर देख लें। दिया इंद्र और चंद्र को श्राप भारी, मगर अहिल्या की भी है भागीदारी, मगर अहिल्या की है भागीदारी। मैं हूँ न्यायकारी, करूँ न्याय ना तो। सोचा ऋषि जी ने, अरे मुझे न्याय के देवता कहते हैं लोग। बिल्कुल, मैं हूँ न्यायकारी, करूँ न्याय ना तो, न्याय के वचन की तौहीन होगी। वचन की तौहीन होगी। क्या बात है कि मैं न्यायकारी हूँ। क्या बात है। अगर साप सजनी को नहीं देता हूँ तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अगर साप सजनी को नहीं देता हूँ तो ये न्यायी सजन की तौहीन होगी। दशरथ जी सोच रहे हैं। भैया ये सीटी थोड़ा सा देख लें। भैया सीटी पे ध्यान दो। महाराज दशरथ जी सोच रहे हैं क्या दिखे कई कई के कई रंग अब तक, और भला मौने ऐसे रहूंगा मैं कब तक। दशरथ जी सोच रहे हैं जो वनवासी रघुवर को नहीं मैं बनाऊं। बात बिल्कुल बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे जवाब सुनेगा। क्या बात है। इसी को कहते हैं खुरपेची। सुने, ये है खुरपेची का खुरपेच। जो वनवासी रघुवर को नहीं मैं बनाऊं कुल ललन की तौहीन होगी। ये बात। और वचन यदि नहीं दे रहा मैं प्रिया को, वचन यदि नहीं दे सजन यानी मेरी तौहीन होगी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन यदि नहीं दे रहा मैं प्रिया को, तो प्रिया के सजन की तौहीन होगी। प्रिया के सजन Oh,